शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत द्वारा बिजली के बिल माफ करने की गुहार उन्हीं के परिसर के लोगों ने की है, लेकिन उन्हें मिलने तक नहीं दिया जा रहा है, ऐसा आरोप उन्हीं के बस्ती के लोगों ने लगाया है। कोरोना वायरस से पहले ही शहर के नागरिक काफी परेशान है और लॉकडाउन के चलते भी नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो वहीं बेरोजगारी का आलम बढ़ रहा था। ऐसे में महावितरण द्वारा बढ़ते बिल को नागरिकों को दिया गया, जिससे नागरिक काफी परेशान है। हजारों की तादाद में आया हुआ बिल आखिरकार भरे तो भरे कैसे, ये सवाल उनके सामने में खड़ा हो चुका है। इसकी शिकायत करने के लिए राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत के घर में बस्ती के लोगों ने एक आवेदन देना चाहा तो उन्हें मना कर दिया गया, ऐसा आरोप नागरिकों ने लगाया। मैं गणेश बहोरिया, राष्ट्रीय पासी महासंघ का प्रधान महासचिव। हम यहाँ से उत्तर नागपुर के सारे रहवासी और नागपुर शहर के भी कुछ अन्य भागों के रहवासी यहाँ पर इस निवेदन को लेकर ऊर्जा मंत्री साहब के पास में आए थे। हमारे पालक मंत्री साहब नागपुर शहर के, और हमको उम्मीद थी कि लॉकडाउन के समय में उन्होंने जो कहा था कि लोगों को राहत देने के लिए प्रत्येक माह में 100 यूनिट का जो बिजली है वो माफ़ किया जाएगा, इस तरीके का उनका आश्वासन था। और ये नागपुर की जनता आश्वस्त थी कि आने वाले समय में हमें इतनी राहत तो जरूर मिल प्राप्त होंगी। परंतु जब 3 महीने बाद यह बिल आया, बिल आने के बाद में जो टोटल 3 महीने में लगने वाला बिल आया है, उसके ऊपर में जो स्लैब होते हैं, इलेक्ट्रिक के स्लैब होते हैं, 100 का यूनिट का, 200 का, 500 का, 1000 का, ऐसे जो यूनिट स्लैब होते हैं, अगर 100 रुपये में अगर लगने वाला 3.40 रुपये का यूनिट रेट है और 1000 यूनिट में लगने वाला जैसे कि 11.5 रुपये का अगर रेट है, तो यदि अगर 1000 यूनिट में 3 महीने में आया तो उन्होंने 11.5 रुपये के हिसाब से सारे बिल भेज दिए। एक तो 100 यूनिट माफ नहीं किया गया, और उसके अलावा 3 महीने में लगने वाला जो 40% का अतिरिक्त बोझ जनता के ऊपर डाल दिया गया। जनता एकदम त्राही त्राही हो चुकी है, परेशान हो चुकी है, और यही कारण था कि इस पे ध्यानाकर्षण कराने के लिए ऊर्जा मंत्री साहब के पास में हम लोग आए थे। हमें बहुत उम्मीद थी कि हमारी बात शांति से सुनेंगे, लेकिन अधिकारियों ने हमको वहाँ जाने से रोका है, और आने वाली जो व्यवस्था है उसको अव्यवस्थित होने के लिए भी हो सकता है उन्होंने हमें रोका होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये जन आक्रोश कहीं एक नया चीज न पैदा कर दे, इसके लिए हमारे यहाँ पर जबरदस्ती यहाँ से हमको रोक करके भगाया जा रहा है, और हमको 11:30 बजे का टाइम दिया ऑफिस में, हम वहाँ वापस मिलने के लिए जा रहे हैं। और हम यही उम्मीद करते हैं कि उनके जो वचन है 100 यूनिट पर महा, वो उसको लागू करें, और उन कई राज्यों ने यहाँ तक कि बिजली बिल माफ तक कर दिया है, और कई राज्यों ने 100 रुपये का रेट दिया है। हम चाहते हैं कि अनेक राज्यों में जिस तरीके के जन हित में निर्णय लिए गए हैं, उसी तरीके का निर्णय हमारे ऊर्जा मंत्री, पालक मंत्री माननीय नितिन राउत जी करें, यही हम लोग यहाँ से आश्वासन लेकर के जाते हैं। आंदोलन होता राहत देऊन नाही राहिले ते म्हणाले होते 100 युनिट माफ करण, हे पण नाही माफ केलंय। हे परिस्थिती कोरोनाची अशी परिस्थिती चालू आहे, याच्या मध्ये लोकांकडे काही पैसे आहे नाही आहे, यांना आम्ही एकच निवेदन देत होतो की आम्हाला पूर्ण बिल माफ करावे, 3 महिने साहेब पूर्ण बिल माफ करावे। हे घरी पण भेटू नाही देऊन राहिले, आमचे मतदारसंघामध्ये राहताना त्यांना आम्ही भेटू नाही शकत, त्यांचे पदाधिकारी कुठून भेटू नाही शकत। काय आज काय झालं आज, हेच आम्ही ऊर्जा मंत्री साहेबांना देवाला आलो होतो, निवेदन देवाला आलो होतो, भेटायला पण तयार नाही आहे ते। आता काय करणार आता आम्हाला 5 लोकांचा टाइम भेटला, त्यांना निवेदन द्यायचं आम्हाला, बस तेच आमची मागणी आहे। बढ़ते बिजली दामों को लेकर शहर के नागरिक काफी परेशान है, इस ओर सरकार ध्यान दे और लोगों के बिजली बिल तुरंत माफ करे, यही मांग शहर के नागरिक कर रहे हैं। उत्तर नागपुर से कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।